मणिपुर में दो युवा छात्रों की हत्या के मामले में चार संदिग्धों को 1 अक्टूबर को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपित की पत्नी समेत चार आरोपियों को विशेष विमान से राज्य के बाहर ले जाया गया है। ऐसे में राज्य में दो छात्रों की हत्या ने सबको हिलाकर रख दिया था। जगह जगह पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सीएम एन वीरेन सिंह ने ये जानकारी देते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर एजेंसी ने विशेष टीम बनाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि इस हिंसा के पीछे का असली कारण क्या है। आफ्टर एनआईए ने ये केस पकड़ने के बाद में एनआईए ने ये प्रेस रिलीज कल ही किया है। ये जो मणिपुर में हो रहा है ये घटना, ये वेजिंग वॉर अगेंस्ट द इंडियन यूनियन बाय द कुकी मिलिटेंट फ्रॉम म्यांमार बेस एंड बांग्लादेश बेस अलोंग विद सम मिलिटेंट फ्रॉम इंडिया। तो इट क्लियरली शोज, इसने सबको दिखा दिया है कि ये कोई मामूली चीज नहीं है। तो इसलिए हम एनआईए को और भारत सरकार को बहुत बहुत हम धन्यवाद करता हूँ। खास करके मणिपुर के पब्लिक लोग और भारत के पब्लिक लोग ने जो ये सच्चाई को लाने के लिए 3-4 महीना लगा के कई तरह तरह का मीडिया कवरेज दे के, रिपोर्ट दे के, सबको ये समझने के लाइन में आया है। फिलहाल सीएम का कहना है कि मणिपुर में स्थिति सामान्य है, लेकिन कांग्रेस का मानना है कि केंद्र और राज्य सरकार असली सच्चाई को छिपा रही है। एनआईए को मणिपुर की जानकारी नहीं है और केंद्र के दखल देने से ही मणिपुर जल रहा है। एनआईए झूठ बोलते हैं, एनआईए को मणिपुर की स्थिति के बारे में सही ज्ञान नहीं है। सरकार की संलिप्तता इस मणिपुर के अंदर नहीं होती तो आज मणिपुर जल नहीं रहा होता। आज मणिपुर के दो हिस्से बन चुके हैं, एक प्लेन्स का और एक हिल्स का। हिल्स में कुकीज, नागा ट्राइब्स हैं और भी कई ट्राइब्स हैं। जो वैली है उसके अंदर मैथी डोमिनेटेड एरियाज हैं। हम लोगों ने वहां पे काम किया है। आप म्यांमार से आने वाले टेररिस्ट को आप ब्लेम करते हैं। बता दें, मणिपुर में जुलाई से लापता दो छात्रों के मर्डर की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। ये दोनों 6 जुलाई से लापता थे। इन छात्रों की हत्या के बाद मणिपुर में एक बार फिर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुआ। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प तक हुई। 3 मई से शुरू ही मणिपुर हिंसा अब तक सुलग रही है। इस दौरान करीब 170 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों की संख्या में लोग अपना घर छोड़ पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। अब तक 5,000 से अधिक आगजनी की घटनाएं दर्ज की गई है।